हेलो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी यूट्यूब के ऊपर आपने वीडियोस देख लिए होंगे एनएमसी अपडेट से रिलेटेड। दुनिया भर के वीडियोस अवेलेबल हैं, बताया जा रहा है कि इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर कम हो गया, इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर कम हो गया। सनसनी फैली हुई है चारों तरफ, यूट्यूब का बाजार भी गर्म है, बच्चों में खुशियों का माहौल है कि अरे वाह अब ये चैप्टर पढ़ने को नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम तो आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी देने की कोशिश करते हैं, आप गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि अगर आप गलत फहमी में रहेंगे तो डेफिनेटली अपने लक्ष्य की तरफ प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोई सनसनी नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधी सी बात, मैं बात करता हूँ जूलॉजी की। डॉक्टर अंकित छिपी, आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ काफ़ी समय से। जूलॉजी के अंदर दो चैप्टर्स कम किए गए जो चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेटेज भी रखते थे। एनिमल टिश्यू और डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम उड़ा दिया, एनिमल टिश्यू उड़ा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये दो चैप्टर पढ़ने ही नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ने हैं भाई? एनिमल टिश्यू में आपको क्या सिखाया जाता है? एनिमल टिश्यू में आपको सिखाया जाता है कितने टाइप की एपिथेलियल टिश्यू होती हैं, कितने टाइप की कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपको बोन और कार्टिलेज की जानकारी दी जाती है। जरा एक बात बताओ, ये चैप्टर तो आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, जैसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो क्या आपको वहां पर ट्रेकिया की एपिथीलियम याद नहीं करनी पड़ेगी? क्या आपको वहां पर लंग्स की कनेक्टिव टिश्यू, लंग्स के अंदर पाए जाने वाले एल्वियोलाई की सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम नहीं पढ़नी पड़ेगी? पढ़नी पड़ेगी ना। तो क्या आप वहां पर उन एपिथीलियम और टिश्यूज को बैठ कर पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए रटोगे? नहीं, आपको एनिमल टिश्यू चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में गए, क्या आपको हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ते टाइम, क्या आपको ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर पढ़ते टाइम टिश्यू की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि ब्लड वेसल की वॉल में कौन कौन से टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, स्मूथ मसल है, साथ ही साथ एंडोथीलियम है, दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। हार्ट की लेयर्स पढ़ते टाइम आपको टिश्यू की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे ही आप चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो नेफ्रॉन जब आप पढ़ेंगे तो नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एपिथीलियम पाई जाती है, क्या आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी? तो बड़े ही चालाक हैं ये लोग। इन्होंने क्या किया है, एनिमल टिश्यू नाम से जो अलग से चैप्टर था उसको हटा दिया। वो इसलिए हटाया है कि भैया अलग से क्यों पढ़ा रहे उस चैप्टर को, ये इनडायरेक्टली बाकी सभी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में कवर हो ही जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको एनिमल टिश्यू इनडायरेक्टली पढ़ना ही पड़ेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर आने वाली एनाटॉमी को समझने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा दिया। बहुत खुश हो रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अब नहीं पढ़ना, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको इनडायरेक्टली लिंक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम नाम का चैप्टर है और एंडोक्राइन सिस्टम के एंड में GIT हॉर्मोन्स का जिक्र किया हुआ है, जिसमें दुनिया भर के GIT हॉर्मोन्स, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, सिक्रेटिन, ड्यूओक्राइनिन, हिपेटोक्राइनिन, विलीक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन, ऐसे दुनिया भर के GIT हॉर्मोन्स जिनका जिक्र किया गया है एंडोक्राइन सिस्टम में, लास्ट में GIT हॉर्मोन्स में, क्या आपको वो GIT हॉर्मोन्स बिना डाइजेशन का मैकेनिज्म समझे हुए समझ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इसका मतलब आपको अब डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे तो GIT हॉर्मोन्स की फॉर्म में आपको डाइजेशन की कुछ बातें तो सीखनी ही पड़ेंगी। तो ऐसा कतई ही ना सोचें कि ये चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं, अब इन चैप्टर से हमारा पीछा छूट गया है। पीछा नहीं छूटा है, वो दूसरे चैप्टर्स के साथ लिंक होंगे, वहां पर उसकी जानकारी आपको जुटानी पड़ेगी, तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन तो वहां से पूछे जा सकते हैं। लेकिन वो क्या बोलेंगे, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कनेक्टिव टिश्यू या एपिथीलियम पूछकर आपसे ये बोलेंगे कि ये चैप्टर तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आया है, एनिमल टिश्यू से नहीं आया। अरे है तो टिश्यू ही। वो आपसे GIT के हॉर्मोन्स पूछ लेंगे और पूछेंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं आया, ये एंडोक्राइन सिस्टम से आया है। तो ले देखे बात तो ये, चाहे खाना ऐसे खाओ, चाहे ऐसे हाथ घुमा के यूं खा लो, क्या किसी दूसरे के हाथ से खा लो, जाएगा तो पेट में, डाइजेशन तो स्टमक और इंटेस्टाइन को ही करना है, दूसरे की बॉडी तो डाइजेशन करेगी नहीं खाना हम खा रहे हैं तो। और अगर हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो पढ़ना तो हमें ही पड़ेगा, कोई और आके तो पढ़ेगा नहीं, तो ठीक है ना ये सनसनी। एक और बात बता देता हूं, जो ये खुशी का माहौल और ये बिल्कुल अरे रिड्यूस हो गया सिलेबस, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, एक खास बात बता देता हूं, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता, उनके चाहे एक दो चैप्टर नए ऐड कर दो, चाहे एक दो चैप्टर हटा दो, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर चलते हैं, वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह लेकर चलते हैं, वो चीजों को लिंक करके चलते हैं। तो मैं चाहता हूं आप भी उसी कैटेगरी में आए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, इन फालतू बातों से दूर रहें।
बाकी आपको सीएम सर और डिटेल में ये बातें बताएंगे कि बॉटनी के अंदर क्या क्या चीजें हुई है। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो इन्होंने किया है तो ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई बिना ABCD सीखे हुए बच्चे को सीधा अंग्रेजी किताब पढ़ाना शुरू कर दो। हाँ। मतलब एनिमल टिश्यू जैसा बेसिक चैप्टर, मतलब उसके बिना बाकी चैप्टर कैसे पढ़ोगे? मतलब कैसे, मतलब मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये वैसा ही है कि आपने ABCD तो सीखी नहीं है और सीधा कोई अंग्रेजी की किताब आप पढ़ने लग गए। ऐसा ही इन्होंने किया है और मुझे लगता है कई जगहों पर तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें इन्होंने की है। जैसे जो हमारा प्लांट में मॉर्फोलॉजी है तो उसमें 5 नई फैमिलीज उन्होंने जोड़ दी। NCERT में 3 फैमिलीज हैं, वो हैं फेबेसी, सोलनेसी और लिलिएसी, इनका कोई जिक्र नहीं है। मज़ेदार बात देखिए आप, और उसमें नई फैमिली जोड़ दी, क्रूसीफेरी और कंपोजिटी और मालवेसी और पोएसी, मतलब जिनका कोई NCERT में जिक्र नहीं है। मतलब कर क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात। इन्होंने क्या किया कि ये बहुत जल्दबाजी में किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तो इसको वापस से जो है रिव्यू करेंगे कि ये हमने जो दे दिया है ये शायद हम क्या जल्दबाजी में दे दिया और इसको ये रिव्यू करेंगे। ये गारंटी है, 100% है कि ये इसको रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करने के बाद हो सकता है एक दो चीज़ें और हटा दें, क्योंकि इन्होंने क्या किया जो बोर्ड वालों के लिए घटाया, जैसे एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, तो वो चैप्टर बोर्ड में तो हटा दिया, अब वो यहाँ नीट में रख रखा है। अब कोई बताएगा अरे भाई बोर्ड में ही हट गया तो इसको भी हटा दो। एक चैप्टर इन्होंने 12th क्लास में जो पहला चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म वो हटा दिया, तो अब लोग सोचेंगे कि साहब पढ़ना नहीं। अरे भैया आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, आप फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, पूरा लाइफ साइकिल पढ़ रहे हो, अब उस चैप्टर को हटा दोगे, अब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, उसको रखो मत रखो एक ही बात है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना तो पड़ेगा पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो तो आना ही है। अब फिजिक्स में से एक चैप्टर हटा दें यूनिट डायमेंशन वेक्टर, हाँ, और ये चैप्टर हट गया, चैप्टर हट गया, लेकिन आप उसके बिना बाकी चैप्टर्स कैसे पढ़ोगे? यानी वो चैप्टर हटा रहे लेकिन बच्चे को मजबूरी में पढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना बच्चे जो समझ नहीं पा रहे हैं ना, वो यही चीज है। और हो क्या गया, आजकल YouTube है भाई साहब, कोई भी आ जाता है, कोई भी बोल देता है, उनको न तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की समझ है, उनका न कोई अनुभव है बच्चों को पढ़ाने का, तो वो क्या है कुछ भी बोल देते हैं, सनसनी क्रिएट कर देते हैं व्यूअरशिप लेने के लिए। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में ना जाएं, है ना। मैं आपको मोटा मोटा तौर पर जैसे बताऊं कि और कौन से चैप्टर्स, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर उन्होंने हटा दिया, एक मिंडल वाला हटा दिया। आप सोच के देखिए, हम एनाटोमी पढ़ते हैं भाई साहब, जाइलम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फ्लोएम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वहाँ बात की जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, वो क्वेश्चन पूछ लेगा, आप क्या कर लोगे भाई हमने तो एनाटोमी से पूछा था। तो इस गलतफहमी में ना रहें, आपको ये सब चैप्टर पढ़ने हैं। और एक मुझे जो सबसे ज़्यादा मतलब मुझे दुखी करता है सर, क्या बताऊँ, एनवायरमेंटल इशू चैप्टर। मतलब आज पूरी दुनिया जिस सबसे बड़ी समस्या से अगर जूझ रही है वो है एनवायरमेंटल इशू, और आपने बोर्ड्स में उसको हटा दिया, आपने यहाँ भी उसको हटा दिया, क्या लगता है आपको, मतलब क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा? एक पेपर बनाने वाले की दृष्टि से सोचिए आप, जो बच्चे को जागरूक करना चाहता है, उसका एक कॉमन सेंस चेक करना चाहता है, वो नहीं पूछेगा क्वेश्चन, दूर रहें। सिलेबस रिड्यूस होना, बढ़ जाना, घट जाना, मैंने पहले भी ये बात बोली थी और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप जब NTA का जब आपका फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा NEET 24 के लिए, तो आप देखना उसमें सिलेबस मेंशन होता है, उसके नीचे एक लाइन लिखी रहती है कि ये गाइडलाइन सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि यही पत्थर की लकीर है, अब इसी से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। इतने वर्षों से नीट में वो सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो उसके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, NCERT में, NCERT में नहीं है, वो भी पूछे जाते हैं सवाल। और इसलिए अगर आप रियल में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक सिंसियर नीट एस्पिरेंट हैं, आप अपने सिलेक्शन को लेकर गंभीर हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। इन सब ये सब चीज़ें ध्यान भटकाने के लिए हैं, ये सब चीज़ों से आपकी पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है जो आप पढ़ते आ रहे थे। मैं क्या बताऊं आपको, बच्चे तो 95 के पहले की NCERT तक को पढ़ लेते हैं नीट में सेलेक्ट होने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अभी ये जो NCERT चल रही है 2005 के बाद की चल रही है, उसमें फिर अभी और मॉडिफिकेशन हो गया 2018 में, तो वो हो गया, लेकिन 2005 के पहले की NCERT पढ़ लेते हैं बच्चे, पढ़ते हैं बच्चे।
जो बहुत डिफरेंट है इससे, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ये सोच के पढ़ लेते हैं कि यहां से कहीं क्वेश्चन ना आ जाए, क्वेश्चन ना आ जाए और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेन चीज है कंसेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। और इसलिए बच्चों इन सब बातों में ना जाए। मैं तो इसमें एक ही बात ऐड करूंगा सर, हाँ, कि बच्चा जब मेहनत करता है और उसे जब धीरे धीरे चीजें धुंधली होती हुई नजर आती हैं, तो उसका माइंडसेट पुअर होने लगता है बस। और ये सब चीजें उस पुअर माइंडसेट को अपलिफ्ट करने के लिए नहीं है, उस पुअर माइंडसेट को ग्रैब करने के लिए, कि ये पुअर माइंडसेट है, इसको ग्रैब कर लो, इसको सनसनी फैलाओ, इसको इसको ये बताओ कि तेरा सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब तो तेरा सिलेक्शन पक्का है। एक बात बताओ, जिस बच्चे का सिलेक्शन होना होता है वो एक दो चैप्टर हटने से खुश होगा क्या? वो ऐसे बेसिक चैप्टर हटने से खुश होगा क्या? कभी नहीं होगा। पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल नहीं। वो दुखी होगा, हाँ, कि अब ये चैप्टर तो हट गया है, अब पढ़ना तो पड़ेगा इस चैप्टर को, वो उस चैप्टर के पीछे फिर भी जाएगा। आप उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में टिश्यू सिखाओगे ना, कि इसमें ये टिश्यू है, इसमें ये टिश्यू है, तो उसके दिमाग में आएगा कि टिश्यू होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, क्या फंक्शन है। अब ए फॉर एप्पल बी फॉर बुक, वो शॉर्टकट नहीं ढूंढता सर, तो पॉसिबल नहीं है ना सर। ए फॉर एप्पल बी फॉर बुक नहीं आता, तो आप कैसे बी डबल ओ के बुक को समझ पाएंगे? शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कंडीशन में पहुंचना है ना, क्योंकि नीट क्लियर वही कर पाएगा जिसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा। पुअर माइंडसेट, वीक माइंडसेट जो होता है वो केवल और केवल इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर सनसनीखेज बातों में पड़ा रहता है, और उसके बाद ले दे के 200-250 नंबर 300 नंबर पे जाके टिक जाता है। बस एक बात कहूँगा लास्ट में, कि जो आप पहले पढ़ते आ रहे थे, जो एनसीईआरटी इसके पहले चल रही थी, जो रिड्यूस सिलेबस के पहले जो एनसीईआरटी चल रही थी, आपको वही पढ़नी है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों में, अगर आप एक सिंसियर नीट एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप अपने सिलेक्शन को लेकर के गंभीर हैं। और अगर आप सिलेक्शन को लेकर गंभीर हैं, तो बियॉन्ड इक्वेशंस आपके लिए लेकर आ रहा है इस बुधवार यानी 11 अक्टूबर से एक फ्री कोर्स, डिटेल्ड फ्री कोर्स, डिटेल्ड फ्री कोर्स, जिसमें आपको एक एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसा आप ईयर लॉन्ग कोर्सेज में कोचिंग्स में पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में एक यूनिक कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल सर, और एकदम कंसेप्चुअल होने वाला है, डेली क्लास लगने वाली है फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी की, एकदम फ्री है। और जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, इसका नाम ही हमने रखा है सक्षम कोर्स, एनसीईआरटी निचोड़। मेरा तो इस यूट्यूब कोर्स का सर जो मोटिव है ना बच्चों तक पहुंचने का, वो केवल इतना है कि एजुकेशन का जो गिरता हुआ स्तर है टाइम के साथ साथ, है ना, केवल क्या रह गया है, फेक मोटिवेशन, झूठी बातें, झूठे दिलासे, पढ़ाई एक कोने में जाकर बैठ चुकी है ना, कॉन्सेप्ट्स, लिंकिंग, लर्निंग, वो सब सर एक तरफ बैठी हुई है। तो मैं जस्ट बच्चों तक पहुंचना चाह रहा हूँ इस कोर्स के थ्रू, हमारी बियॉन्ड इक्वेशंस कोर्स टीम इस कोर्स के थ्रू बच्चों तक पहुंचना चाह रही है, और उन्हें वो रियल गाइडेंस देना चाह रही है जो वास्तव में मेडिकल कॉलेज पहुंचने के लिए जरूरी है। उसमें फेक दिलासा नहीं होगा, झूठा दिलासा, झूठा मोटिवेशन, आपको बताया जाएगा ये पढ़ना है, इतना ही पढ़ना होता है। अगर आपको वास्तव में मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, डॉक्टर बनना है, नीट यूजी क्लियर करना है, तो आपको सिंसियरिटी के साथ लगकर मेहनत करके हमारे साथ आगे बढ़ना है, और देखिए फिर क्या धमाका होता है। शॉर्टकट नहीं है किसी चीज़ का, याद रखना, शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी चीज़ को आप ये सोचो कि इसको ट्रिक देख लें, इसको इजी बना लें, वो बाद में जब आप पूरा सीख जाते हो ना कंसेप्चुअली चीज़ों को, उसके बाद ट्रिक्स काम आती हैं। आपको अगर किसी चीज़ की वेयर अबाउट ही नहीं पता है और आप उसकी केवल ट्रिक्स रट के एग्जाम में चले गए, कुछ काम नहीं आएगी। ट्रिक्स तो रिविजन के लिए, ईजी बनाने के लिए होती हैं, कि रिविजन फास्ट हो जाए, लेकिन उससे पहले एक बार तो डिटेल में सीखनी पड़ेगी ना चीज़ें, कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे, अप्रोच, लर्निंग, एनालिसिस, वो सब तो डेवलप करना ही पड़ेगा। और हम आपके साथ लग कर ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे। बस जरूरत है आपको कुर्सी की पेटी बांधने के लिए। क्या टेक ऑफ से पहले बांधते हैं कि नहीं? तैयार हो जाओ और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल बियॉन्ड इक्वेशंस। थैंक यू बच्चों, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी।